ही में हमला आवर होकर हमारी बहादुर अफवाज के जवानों को शहीद करने वाले बुजदिलों को मैं अल्लाह की लानत देने का एक दिल से नजराना उन शहीदों के नाम करता हूं कि जिन्होंने उन बुजदिल कार्रवाइयों के सामने शीशा पहलाई हुई और सीना जोर ताकत के साथ मुकाबला किया, जिसकी हिफाजत हम सब ने मिलकर करनी है। हम अपने शहदाओं को और उनके लवाहिकीन को क्या जवाब देंगे जब हम 9 मई जैसे वाकयात रोनुमा करते हैं, उन शहीदों की यादगारों को नुकसान पहुंचाते हैं। खुदारा दुबक रोनुमा करते हैं, उन शहीदों की यादगारों को नुकसान पहुंचाते हैं। खुदारा दोबारा कोई इस वतन में ऐसी गलती ना करे। क्योंकि आज जब मैं इस स्टेज पर आ रहा था, मुझे एक शहीद के वालदेन ने कुछ तस्वीर दिखाई और मुझसे गिला किया कि मेरे इस शहीद बेटे की तस्वीर और तस्वीर फाड़ दी गई है, उन यादगारों को गिरा दिया गया है। हमें एहसास ही नहीं है। आज मेरे सामने ये जो एक मां बैठी है, उसने अपने बेटे की कुर्बानी इसलिए दी है कि हमारे बेटों का मुस्तकबिल संवर सके। इन्होंने हमारी औलादों के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए अपने जवान बेटों की कुर्बानियां दी हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हम इस मां का कर्ज उतार सकते हैं जिसने यह जानकर, उसे यह पता था कि मैं जिस अपने प्यारे बेटे को तैयार कर सरहदों की हिफाजत के लिए भेज रही हूं, वो किसी ना किसी दिन शहीद हो सकता है। आज जो लोग मेरी इस अफवाजे पाकिस्तान के लिए कुछ बातें करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि लाओ ऐसी मां जो तुम्हारे बेटे के मुस्तकबिल के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दे। आज मेरी वो बहनें जो बेवा हो गई हैं, मैं कहता हूं उन लोगों से, लाओ ऐसी बहनें जिन्होंने अपना सुहाग शहीद करवा दिया, तुम्हारे सुहागों को और उनके मुस्तकबिल को बचाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि मुझ समेत कोई भी शख्स इन वालदेन का, इन बहनों का और इन बच्चों का कर्ज अदा कर ही नहीं सकता। बाकी तो सब बातें हैं, हकीकत सिर्फ ये एक है कि हम इन शहीदों के ना वालदेन का कर्ज उतार सकते हैं और ना शहीदों का कर्ज उतार सकते हैं। और ये वो शहीद हैं जिन्होंने, और ये जो जवान आज सरहदों पे हमारी हिफाजतें कर रहे हैं, तो ये एक खूब शेर यहां लिखा भी गया है कि किसी की हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी, किसी की हिम्मत है कि हमारी परवाज में लाए कमी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो जो लोग, जो जवान हौसलों से उड़ रहे हैं, उन्हें परों की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान वतन अजीज, जिसमें आज हम सुकून और आराम की जिंदगी बसर करते हैं, मान लें कि उसके पीछे
इन शहीदों का खून है, इन माओं की दुआएं हैं। इसीलिए आज हमने अपने इस प्रोग्राम का जो स्लोगन रखा था वो ये है कि हर कदम है कौम के दिफा के लिए, हर कदम है कौम के दिफा के लिए। एक अफवाजे पाकिस्तान है और उसके साथ ये अवामे पाकिस्तान है। मेरे उन फौजी भाइयों को जो सरहदों पे मेरे जवान हैं और मेरे शहदा की फैमिलीज जो यहां बैठी हैं, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी है, जो सच्चे पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से और उसकी सरहदों से मोहब्बत करते हैं, वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे और उसके शाना बशाना खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह रहेंगे। मेरा ये मानना भी है कि बहुत सारे ऐसे अतवार आते रहेंगे जहां हमें मायूसी भी होगी, जहां हमें माशी बहरानों का सामना भी होगा, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि ये मायूसी के साए हमेशा रहेंगे। यकीन दिलाता हूं कि आज जो सपे सलार अफवाजे पाकिस्तान के सरबरा है, ये इस कौम की खुश नसीबी है कि वो सैयद भी है और वो हाफिज कुरान भी है। और मेरा ये मानना है कि जो हाफिज कुरान होता है उसे कुरान का वो मफहूम पता है कि किस तरह अपनी कौम की हिफाजत की जाती है, किस तरह कौम को अगर वो मुश्किल में फंसी हो तो उसे निकाला जाता है। इसीलिए आज इस अफवाज पाकिस्तान के सरबरा हमारे मुल्क के वजीर आजम मोहम्मद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके इस पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाल रहे हैं, जिसकी एक मिसाल SIFC का इस मुल्क में कयाम है और हमारे आर्मी चीफ का उसकी सरबराही करना, उसकी देखभाल करना और मुख्तलिफ ममालिक के सरबरान को पाकिस्तान बुला के इस मुल्क के माशी हालात को बेहतर करना है, जिसकी मिसाल चाइना के वजीर आजम का पाकिस्तान आना, मलेशिया के वजीर आजम का पाकिस्तान आना और सऊदीया UAE और बाकी हमारे खलीजी ममालिक कुवैत ओमान बहरेन और मस्कत और सऊदी अरब के इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करना इस बात की दलील है। इसलिए कौमों में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसकी हमें परवाह नहीं करनी, क्योंकि हमारी परवाज और उसका मकसद हमारे सामने है और ये वो आज का दिन है जो हम कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक आज पूरी कौम ने 6 सितंबर को मनाकर अकीदत से हमारे शहदा की याद में पूरे दिन मैं देख रहा हूं कि कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक और खैबर तक पूरा दिन हर जगहों पर हमारे इन शहदा की याद में तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी कौम के इन बेटों को जिन्होंने शहादतें दी हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि उनकी हयात जमीनों की नहीं सफीनों के नाम है, जो मुल्क के बानियों की हिफाजत के लिए समंदरी तूफानी लहरों से ज्यादा दुश्मन के दिल में अपनी हैबत का डर कायम किए हुए हैं। आज ये मजबूत अफवाज पाकिस्तान के जवान अपनी हैबत और अपने डर का लोहा मनवाए हुए हैं, इसीलिए दुश्मन ताकतों के नफरत अंगेज बयानिए को हमने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दे के भेजा है, सिवाय एक बार के जिसमें चाय पिला के भेजा है।
आज के दिन इन माओं को भी मैं सलाम पेश करना चाहता हूं जो कौम की हिफाजत के लिए अपने बच्चों की शहादतें और उनको उस शहादत के सफर पर खुशी खुशी रवाना करती हैं। इतना बड़ा दिल किसी मां का नहीं है। कल मुझे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई हमारे जुहेर नसीर भाई ने, जो कि बदर एक्सपो के ऑनर हैं, रूहे रवा हैं। मुझे यहां नजर अभी आ नहीं रहे जुहेर भाई कहां हैं। आज ये जो स्टेज, जो कि 5 दिन की मेहनत से तैयार किया गया है, रात दिन सुबह 5-5 बजे तक जुहेर भाई और मैं यहां बैठे हुए थे और हम एक दूसरे से पूछ रहे थे कि इस स्टेज को बनाने की खास वजह क्या है। तो मुझे जुहेर भाई ने कहा कि बहुत स्टेज बनाए हैं और आपने भी बहुत बनवाए हैं, लेकिन इस स्टेज को बनाने में एक जज्बा है, क्योंकि ये उन शहीदों की फैमिलीज को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनवाया गया है। इसे हमने गोल्ड फॉइल, गोल्ड प्लेटेड, जो आप आर्चेस देख रहे हैं, इसके दरमियान में लगवाई। ये प्लेन व्हाइट पेंट से भी हो सकता था, लेकिन हमने गोल्ड फॉइल लगवा के, गोल्ड प्लेटेड करके ये पैगाम दिया है दुश्मन ताकतों को कि हम अपने शहीदों को इस तरह खराज तहसीन पेश करते हैं। जो भी कदम और इकदाम उठाओ, सोच समझ कर उठाना। यहां ऐसी माएं बैठी हैं। आज सुबह जब मैं मलीर कैंट में शहदा की यादगार पर फूल चढ़ा रहा था, मुझे कोर कमांडर साहब ने बताया कि मैं आपको एक ऐसी मां से भी मिलाता हूं, और इस जैसी बहुत सारी माएं हैं। जब मैंने उस मां से खिताब किया, बात की, तो उसने कहा कि मेरा एक बेटा शहीद हो गया है, और जिस यूनिट में वो बेटा शहीद हुआ, मैंने अपना दूसरा बेटा भी उसी यूनिट में भर्ती किया है, उसी यूनिट में काम कर रहा है, अपने मुल्क की खिदमत कर रहा है। तो मैंने जब उनको सलाम पेश किया, तो उन्होंने कहा, बेटा अगर दूसरा बेटा भी शहीद हो गया तो मेरा तीसरा बेटा भी है। मेरे 3 बेटे हैं और वो इस वतन पर कुर्बान है। तो मैं उन दुश्मन ताकतों को ये बताना चाहता हूं कि मैली आंख ना उठाना। इस वतन में ऐसी माओं ने अपने सपूत पैदा किए हैं जो एक के बाद एक ही घर में 3-3 शहादतें देने के लिए तैयार हैं। तो सोच समझ के मैं अपनी सरहदों पर मौजूद सिपाहियों को भी आज सलाम पेश करना चाहता हूं कि वो अपने घर के आराम को छोड़कर चलचलाती धूप, कठिन रास्तों, ऐसी ऐसी पोस्टिंग्स पर जहां आप और मैं एक दिन एक घंटा तसव्वुर नहीं कर सकते खड़े होने का, महीनों वो सिपाही आपकी और मेरी और मेरे बच्चों की और आपके बच्चों की सलामती के लिए वहां खड़ा होकर नौकरी कर रहा है, चाहे वो शहीद हो रहा है या गाजी है। लेकिन सलाम है उस सिपाही को जो अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़कर हमारे लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करके बैठा है। मैं उस मां को भी सलाम करना चाहता हूं, जब मैंने डॉक्यूमेंट्री कल मुझे जुहेर नसीर भाई ने दिखाई, मुझे नहीं पता अभी वो चलाएंगे इसको, मैं चाहूंगा कि चलाएं। उसमें एक मां रोते हुए कह रही थी अपने शहीद बेटे को कि मेरे ख्वाब में आके मुझे कह दो कि चुप हो जाए, रोना छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगी, वरना मैं सारी जिंदगी उसके लिए आंसू बहाती रहूंगी और उसे याद करती रहूंगी।
वो माँ जो ख्वाब में इंतजार कर रही है अपने उस शहीद बेटे का कि वो आके उसे चुप करा दे। एक और माँ ये कह रही है कि हर वक्त मैं छत की तरफ देखती हूं, ये वो वहीं से मुझे आवाज दिया करता था, आज तक मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही है। ये वो माएं हैं, आज मैं एक 3 साल के बच्चे से भी मिला, आज मैं उस बच्चे से भी मिला जो अपने बाप की शहादत के 6 महीने बाद पैदा हुआ है, मैं उस 3 साल के बच्चे से भी मिला जिसने अपने बाप को बड़ा होते नहीं देख रहा, उसकी बेवा आंसू बहा रही है, और मैं आज उस मां से भी मिला जिसने 1965 में अपना शौहर शहीद करवाया और आज दिन तक दूसरी दोबारा शादी नहीं की। आज ही मैं सुबह इन सब माओ और बहनों से मिलकर आया हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि आज का ये प्रोग्राम बहुत अफसरदा दिल के साथ मैं कर रहा हूं। ये खुशी का टाइम नहीं है, लेकिन खुदारा और खुदा के वास्ते मैं अपने उन भाइयों से भी मुखातिब होना चाहता हूं जो बैरूनी ताकत के नफरत अंगेज बयानिए को जो वो बेच रहे हैं इस मुल्क के नौजवानों को, और वो कुछ खरीदार भी हैं इस मुल्क में जो खरीद लेते हैं और मासूम नौजवान भाई बहनों और बेटों को इस पाकिस्तान के लिए, इस अफवाजे पाकिस्तान के लिए और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए नफरत अंगेज बयानियां सोशल मीडिया पर डालते हैं, जो डालने से पहले खुदारा किसी एक शहीद की फैमिली से जाके मिल लो। मेरा यह मानना है कि सारी जिंदगी अपनी अफवाजे पाकिस्तान को सलाम पेश करते रहोगे। इसका कर्ज हम नहीं उतार सकते, ये कर्ज हम नहीं उतार सकते, हमें मान लेना चाहिए। बाकी तो सब बातें हैं, कोई इसको कायल करता है, कोई उसको कायल करता है, बातें सभी कर लेते हैं। कोई कहेगा कि ये सियासत में ना आए, कोई कहेगा ये कारोबार में ना आए, ये सब बयानियां पैदा किया हुआ है, बनाया हुआ है। आज मजबूत अफवाजे पाकिस्तान, आज मजबूत एयरफोर्स और मजबूत पाक नेवी, जिसकी वजह से और सिर्फ उसकी वजह से आज हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और हम एक ट्वीट कर देते हैं, हम एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हैं बगैर सोचे और समझे। खुदारा इस बात से तौबा करें, इस बयानिए से पीछे हटें। ये कैसे मुमकिन है कि जो मां अपनी औलाद को तुम्हारी औलाद की वजह से कुर्बान कर रही है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से अपने बेटे को शहीद करने जानकर पता होने के बावजूद भेज रही है, इस वतन पे कुर्बान कर रही है। हम कैसे पाकिस्तानी हैं जो अपनी उन शहीदों की फैमिलीज का दिल दुखा रहे हैं? वो कौन से लोग थे जिन्होंने 9 मई को अपने शहीदों की यादगारों को जलाया और गिराया? वो हम में से नहीं है। हमें तो अपने शहीदों को सलाम करना चाहिए। हां, ये और बात है कि हम ये नहीं कर रहे, मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा ये यकीन और ये मेरा एतमाद है अपनी इस अफवाजे पाकिस्तान पर, हमारी फोर्सेस पर, कि वो अपनी जानों का नजराना देती हैं। हालिया बलूचिस्तान वाकया आपके सामने है, क्या ये तासुर नहीं दिया गया कि बलोचों ने पंजाबियों को मारा है? और मेरा ये कहना है और मानना है और पूरी कौम का मानना है कि कोई बलोच भाई अपने किसी पंजाबी भाई को ना मारेगा ना मार सकता है। क्या कराची में चहलम से पहले ये बयानिया नहीं दिया गया कि शिया सुन्नी फसाद करा दिया जाए? तो ये कैसे रुका, ये कैसे नहीं हुआ, इसे किसने रोका? इसे रोकने वाले वही अफवाजे पाकिस्तान के सिपाही हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के सिपाही हैं।
جو کہ اس ملک کو اس کی وقار اور اس کی بقا اور اس کی عزت اور اس کی سلامتی کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے اور آپ سب کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک قوم بن کر ترقی کرنی ہے۔ ہم نے اس 6 ستمبر سے اپنے ان شہیدوں کے والدین کو تحفہ دینا ہے پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف لے جانے کے لیے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ سب ہو سکتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ملک میں ایسے بہادر ثبوت ہوں جو شہادت دے دیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم ترقی نہیں کر سکتے؟ یہ ناممکن بات ہے، اور اسے ہم ممکن کر کے دکھائیں گے کہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ، اور ہم دنیا میں اپنی اس قوم کا، اپنے اس وطن کا نام بڑا کریں گے۔ ہم نے پاکستان بننے سے لے کر آج تک کتنی شہادتیں دیں، قربانیوں اور شہادتوں سے یہ وطن حاصل کیا۔ پھر ہمارے سیاستدانوں نے، میں آج محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی پاکستان کے لیے شہادت دی۔ میں یہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کے دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کا نام سر اور فخر سے بلند کیا ہے۔ میں آج ایک ایسے شخص کا بھی نام لینا چاہتا ہوں جس کا نام ارشد ندیم ہے، جس نے پاکستان کا نام دنیا میں گولڈ میڈل جیت کے روشن کیا۔ لیکن ہمیں ان ساری اپنی ترقیوں میں ان شہیدوں کو نہیں بھولنا ہے۔ یہ وہ 11 شہید جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا، اور اس کے بعد جو شہیدوں کی لائن ہے، ان تمام شہداؤں کو، ان کی فیملیز کو ہم نے نہیں بھولنا، اور یہی وہ اسٹرینتھ ہے، یہی وہ طاقت ہے جو ہمیں آگے بڑھائے گی، اور ہم آگے انشاءاللہ تعالی بڑھیں گے۔ میں نے آج اپنے ملٹری سیکٹری کو اور ہمارے پرنسپل سیکٹری ابڑو صاحب کو یہ ہدایت کی ہے کہ ہمارے کراچی کے ایک کرنل کاشف جنہوں نے شہادت دی، ان کی فیملی یہاں موجود ہے، میں اس گورنر ہاؤس